लेक्चर वन, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आखिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या चीज़, और इस सब्जेक्ट में हम कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं, मतलब व्हाट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सब हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले कि आखिर ये अकाउंटिंग क्या चीज़ है। अकाउंटिंग का जो वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब है अकाउंट, मतलब टू काउंट, गिनना, गिनती करना। अब गिनती करने से क्या मतलब है, आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस मतलब कारोबार कर रहे हो, कारोबार क्या होता है, मतलब कोई भी काम पैसे कमाने के लिए कर रहे हो आप। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं, कोई भी काम आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हो उसे हम कहते हैं बिजनेस। एक्टिविटी टू अर्न मनी इज कॉल्ड बिजनेस, आसान अल्फाज में डिफाइन करूँ तो। अब चाहे वो आप चीज़ें बेचते हो, सेलिंग एंड परचेजिंग आप गुड्स करते हो, चीज़ें लेते हो खरीदते हो, या आप किसी के लिए सर्विस देते हो, किसी के लिए काम करते हो वो आपको पैसे देता है, कुछ भी करते हो, मतलब कोई भी एक्टिविटी करते हो पैसे कमाने के लिए उसे हम कहते हैं बिजनेस। तो बिजनेस में किन चीज़ों का हिसाब किताब होता है, ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब पैसे या मालियत से मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप गिनते हो, उसको आप हिसाब किताब करते हो, तो इसे हम कहते हैं अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग हमें किन चीज़ों के बारे में बताता है। अब एक कंपनी है, पैसों का हिसाब किताब कर रही है, मतलब बिजनेस में एक जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैं उसको डील कर रही है, तो एक उसके एक सिस्टमेटिक वेज होंगे, तरीके होंगे, किस तरीके से हमें पैसों का हिसाब किताब करना है, अपनी मालियत का हिसाब किताब करना है, तो हमें उसको डील करने के लिए सिस्टमेटिक वेज के बारे में बताती है कि किस किस तरीके से आप उसको डील कर सकते हो, कैसे उसको डील करना चाहिए। तो अकाउंटिंग दरअसल एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं सिस्टमेटिक वेज के बारे में, तरीकों के बारे में, कि किस तरीके से हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, मतलब पैसों से मुतल इन्फॉर्मेशन को डील कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट सिस्टमेटिक वेज ऑफ डीलिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल मतलब मैंने आपको बताया पैसा या मालियत। तो ये समझ आ गया कि आखिर अकाउंटिंग क्या चीज़ है, मतलब आप पैसों के मुतल जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको डील करने के बारे में हमें अकाउंटिंग बताती है, ठीक है। और इसी वजह से इसको कहा गया अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये कारोबार में जाहिर सी बात है हिसाब किताब होता है, तो इस वजह से इसको कहा गया अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। अकाउंटिंग समझ आ गया भाई, हिसाब किताब, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को डील करने के तरीके को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट सिस्टमेटिक वेज ऑफ डीलिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब अकाउंटिंग के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, वॉट आर द ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहली चीज़ पास्ट का हिसाब किताब, आप जो आपका हो चुका खर्चा, हो चुका कुछ भी कर चुके हो आप, इन्फॉर्मेशन बिजनेस कर चुके हो, उसमें जो भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई, मतलब जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पास्ट की, उसको हैंडल करते हो, या तो फ्यूचर की हैंडल करते हो भाई कितना खर्चा आएगा उसको हैंडल करते हो, या आपने कारोबार खोला है उसमें लोग रखे हैं, हर एम्प्लॉय रखे हैं, हर एम्प्लॉय को सैलरी देनी होती है, कॉस्ट मैनेज करते हो, या टैक्स मैनेज करते हो, इन चीज़ों के बारे में क्या करते हो आप, स्टडी करते हो। हर किसी को एक अलग अलग ब्रांच में रखा गया। तो पहली चीज़ थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि पास्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ है मैनेजरियल अकाउंटिंग, जिसमें हम फ्यूचर इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तीसरी चीज़ है कॉस्ट अकाउंटिंग, कितने एम्प्लॉयज़ होंगे, किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी होगी, वो कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है। और चौथी चीज़ है टैक्स अकाउंटिंग, जो आपको पता ही है। तो टैक्स अकाउंटिंग के बारे में हम टैक्स में, टैक्स के मुताबिक इसमें पढ़ते हैं। अभी हम देखने जा रहे हैं कि आखिर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या चीज़ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं ये वाला। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है, जिसमें हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग किन चीज़ों के बारे में बताता है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या चीज़ है। दरअसल फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो हमें तीन चीज़ों के बारे में बताती है। एक है फाइनेंशियल रिसोर्सेस, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस एंड इकोनॉमिक रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तीन मुश्किल टर्म जो आपने अभी सुने, मैं आपको इसको समझाने वाला हूँ। अभी आपने ये समझाया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और इकोनॉमिक रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट गिव्स यू इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस एंड इकोनॉमिक रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ये तीन चीज़ों के बारे में फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताता है। चलो ये तो समझ आ गया, लेकिन ये तीनों चीज़ें हैं क्या, इसको देखते हैं। तो इन सब चीज़ों को हटाते हैं, इन तीन चीज़ों पर आते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं भाई, जरिया, आपके पैसे का, आपके मालियत का जरिया, क्या जरा हैं आपके, उससे हम कहते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, हमारे पास कैश हो सकता है,
नेचुरल रिसोर्स लैंड, ऑयल, गोल्ड वगैरह हो सकता है, या मशीनरी हो सकती है, या इन्वेंट्री, फूड्स वगैरह, फर्नीचर वगैरह हो सकता है, या रिसीवेबल रिसोर्सेज। अब रिसीवेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं भाई? जो आपको मिलने हैं, मतलब आपने कहीं पे खर्चा किया, आपको मंथली उसका प्रॉफिट मिलना है, मतलब आपको मुनाफा मिलना है, वो आपको मिलना है, जो आपको चीज़ मिलनी है वो भी आपका रिसोर्स है। ऐसी बात है, मालियत का, आपने कहीं पे को मकान खरीद लिया, आपको उसका उसका आपको रेंट मिलना है, तो वो भी आपका रिसीवेबल रिसोर्सेज में आता है। तो जो चीज़ आपको मिलनी है वो रिसीवेबल, जो आपको देनी है वो पेएबल कहलाती है। दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक रिसीवेबल, एक पेएबल। रिसीवेबल आपको जो आपको मिलना है, पेएबल जो आपको देना है। तो रिसीवेबल रिसोर्सेज भी आपके क्या कहलाते हैं? फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो ये सब आपके क्या हैं? फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, और इसे हम बिजनेस में कहते हैं एसेट्स। एसेट्स ज़्यादातर क्या हुए? हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं हम उसे बिजनेस के टर्म में एसेट्स कहते हैं। जो हमने देख लिए, कैश, नेचुरल रिसोर्सेज देख लिए, मशीनरी देख ली, इन्वेंट्री देख ली, फर्नीचर देख लिया, रिसीवेबल रिसोर्सेज देख ली, इसे ये सब क्या कहलाते हैं? एसेट्स कहलाते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेस। अब फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्या चीज़ है? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दरअसल कर्जा, ऑब्लिगेशन मतलब कर्जा जो आपको देना है, इसे हम कहते हैं लोन्स, मतलब जो कर्जा आपने लिया था आपको देना है, अदा करना है आपको। इसके अलावा पेबल, पेबल मतलब जो चीज़ें आपको देनी हैं, किसी से आपने यूटिलिटी, आपके घर पे बिल आता है जो आपको अदा करना है, वो पेबल में आता है। मतलब इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो आपको देनी है किसी को, रेंट देना है किसी को, तो वो भी आपका पेबल में आता है। तो ये भी सब कुछ आपका क्या कहलाता है? ऑब्लिगेशंस कहलाती हैं आपको, पेबल। इसे हम बिल्स की टर्म में कहते हैं लाइबिलिटीज। ये भी हमें समझ आ गया। एसेट क्या होते हैं? हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और लाइबिलिटीज हमारे पास कर्जा जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, मतलब हम जो भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसका रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट मतलब जाहिर सी बात है, मुनाफा या नुकसान, लॉस और प्रॉफिट, ये हम चीज़ें इसके बारे में पढ़ते हैं। अब लॉस प्रॉफिट में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक होता है एक्सपेंस जो हम खर्चा करते हैं, एक होता है रेवेन्यू जो हमें फ़ायदा मिलता है। एक्सपेंस जो आपने खर्चा किया, आपका जो फ़ायदा हुआ, वो रेवेन्यू कहलाता है। मतलब इन चीज़ों के बारे में हम लॉस प्रॉफिट, मतलब इस चीज़ों के बारे में इकोनॉमिक रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में पढ़ते हैं। तो हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तीन चीज़ों के बारे में हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताती है। एक है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस एंड इकोनॉमिक रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। इन तीन चीज़ों के बारे में हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो हमने इस लेक्चर में ये सीखा कि आखिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या चीज़। सबसे पहले हमने अकाउंटिंग पढ़ा भाई, अकाउंटिंग क्या चीज़ है? हिसाब किताब करना, मतलब हम यूँ कह सकते हैं आसान अल्फाजों में कि प्रोसेस ऑफ डीलिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये एक ब्रांच थी साइंस की, और जिसकी सब ब्रांचेस थी वो हमने देखी, चार ब्रांचेस थी, उसमें से अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक इसकी ब्रांच थी, जो हमें बताती है फाइनेंशियल रिसोर्स के बारे में, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के बारे में, और इकोनॉमिक रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के बारे में। थैंक यू, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।